There can only be one winner. Let's go! एक गेम लगाऊंगे सेटिस्फाई नहीं, दो गेम लगाऊंगा सेटिस्फाई नहीं, तीन गेम लगाऊंगा सेटिस्फाई नहीं, चार गेम सेटिस्फाई नहीं, ऐसे कर करके टाइम स्पेंड हुआ पता ही नहीं चलता है। माय नेम इज डिप्लोब शाय एंड आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई एम अ गेम एडिक्ट। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली थिंक्स दैट I am useless. I am really lazy. All the day I play games. Most of my friends and family says that gamers are useless. They can't do anything in life. In my point of view, gamers are really awesome. मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते रहते हैं कि तू बहुत आलसी है, तू priority game को देता है। ये बात सच भी है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मगर game में एक मेरा अपना ही दुनिया है। ऐसा है कि ये जो बाहर की दुनिया है, ये दुनिया में थोड़ा टेंशन बहुत है यार। व्हेन आई प्ले द गेम माय प्रॉब्लम्स आउटसाइड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर टेम्पोरली डिसअपीयर। रियल वर्ल्ड का जो डिप्रेशन पार्ट है उसे मैं भूल जाता हूँ। नॉट ओनली डिप्रेशन पार्ट, एवरीथिंग। जब ये प्रॉब्लम आएगा तब देख लूँगा, अभी गेम ही खेलते हैं। गेम लाइफ में जो होता है ना, अगर तुम ठान लो कि तुम्हें एक बात अचीव करना है तो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है उसके लिए। तुम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो वो बात। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन गेट सक्सेस, बट इन द रियल लाइफ इट कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इन गेम यू विल गेट सेटिस्फाइड इजीली, बट इन रियल लाइफ इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू अचीव एंड टू गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन थिंग। इसलिए मैं गेम ही खेलता हूँ। जो हमें गेम खेलते हुए देखते हैं ना, वो बोलते हैं ये पागल हो चुका है गेम खेल खेल के। अब इसका कुछ नहीं हो सकता कि अब गेम खेल के ही मरेगा। अगर मैं गेम ही फोकस करूँ ना, तभी वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि किससे बात करने का मन नहीं करता। गेम की दुनिया मेरे लिए बहुत अलग ही दुनिया है और मैं इसको बहुत ही इंजॉय करता हूँ। बाकी लोग जो भी कहे इसके बारे में, ये गेम के बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं खेलता हूँ ये गेम। ऐसा है कि किसी और काम में दिल नहीं लग, काम करने का मन नहीं करता है, सीधी बात। अगर तुम बेड में गेम खेलते रहो ना, तुम बेड के बेड में ही होगे, उठोगे नहीं। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो गेम का एडिक्शन है ना, ये ड्रग्स से भी बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि ड्रग्स ऐसा होता है कि अगर तुमने एक बार ले लिया तो तुम्हें शायद 6-7 घंटे तक नहीं चाहिए, है ना। ये गेम साला ऐसा है कि तुम जितना खेलो उतना डीप जाओगे, उतना ही खेलने का मन करेगा। 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, तुम्हें कुछ परवाह नहीं है। तुम जितना खेलोगे उतना डूबते जाओगे उसके गहराई में, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम कितने एडिक्टिव हो चुके हो उस गेम के। एक गेम खेलूंगा बोलते हैं, एक गेम से सेटिस्फाई नहीं होते हम लोग, और फिर दूसरा लगाते हैं, और फिर तीसरा, यही करके ड्रग्स ज़्यादा ज़्यादा होते जाते हैं ना। यही गेम में भी होता है। एक गेम लगाऊंगा सेटिस्फाई नहीं, दो गेम लगाऊंगा सेटिस्फाई नहीं, तीन गेम लगाऊंगा सेटिस्फाई नहीं, चार गेम सेटिस्फाई नहीं, ऐसे कर करके टाइम स्पेंड हुआ पता ही नहीं चलता यार। यूँ गुजर जाता है टाइम, तो 10-12 गेम तो तुम्हें बस तुम्हारा प्यास मिटाने के लिए होगा। मुझे बहुत डर लगता है गेम के एडिक्शन से, और मैं एडिक्टिव हो चुका हूँ। जब तक से मेरा मन नहीं मान रहा ना कि ये गेम मत छोड़, ये गेम खेल, तब तक मैं खेलूँगा, मगर ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, मुझे पता है। जब मुझे रियलाइज़ होगा कि मुझे गेम छोड़ना चाहिए, तभी मैं इजीली क्विट कर दूँगा ये। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब my channel. Please do like, share and comment. Thank you.